हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, वो है पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी होती क्या है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है और कैसे आप अपनी यूनिक पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, ये सब टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो मैं एंड में एक पॉइंट बताने वाला हूं जो कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी को यूनिक बनाएगा। और मैं इसको एंड में इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि आपको इससे पहले यह समझना जरूरी है कि पर्सनालिटी होती क्या है और कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। अगर ये समझेंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा। समझ में आया क्या? सो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे 17 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने काफी सारे लोगों के अंडर में काम किया है, प्लस मेरे अंडर में भी काफी सारे लोगों ने काम किया है। लगभग मैं 10,000 स्टूडेंट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा उससे मैं आपको काफी सारी चीजें गाइड करूंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पर्सनालिटी होती क्या है। तो पर्सनालिटी जो होती है वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आपको कहीं ना कहीं यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। अब अलग और यूनिक होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी भी आप किसी कंपनी में जा रहे हो या कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, दूसरा आपका परसेंटेज देखा जाता है, है ना। एक दो स्टूडेंट है कहीं अलग अलग जगह इंटरव्यू देने गए तो एक के 90% है और एक के 70% है, और 70% वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 90% वाले का नहीं होता है। अल्टीमेटली जो बुकिश नॉलेज होता है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर जो पर्सनालिटी होती है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। सो मैं अब आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो पर्सनालिटी होती है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्लस आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का कतई मतलब ये नहीं होता कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी आप बात बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें, तो कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको जो कॉलेज में इवेंट्स होते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, टीवी में जो भी टॉक शोज होते हैं उसको आपको देखना चाहिए, इससे आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो जो सेकंड पॉइंट है वो है डेडिकेशन। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और डेडिकेट होकर कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई टास्क दिया जाए और उस टास्क को आप बिल्कुल फुली डेडिकेटेड होकर कर रहे हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि यार ये बंदा 100% डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, राइट। जैसे मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं लाइक कॉलेज में काम करता था, तो अगर मुझे कोई भी काम करवाना होता था तो मैं उस पर्सन को बुलाता था जो उस काम को डेडिकेटली कंप्लीट कर दे। मैं ऐसे लोगों को काम बिल्कुल नहीं देता था जो कि बार बार मुझे आगे पूछे सर इसको कैसे करना, क्या करना, राइट। एक काम अगर आपको दे दिया जाए तो वो काम आप फिनिश कर दो और उसको बता दो कि सर हाँ ये मैंने काम कर दिया, राइट। सो ये कहीं ना कहीं आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती है जो कि आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो जो थर्ड पॉइंट है वो होता है आउटस्पोकन नहीं होना है आपको, हमेशा आपको दूसरों की सुनना है, शुड बी ए गुड लिसनर। जब भी आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा सुनना चाहिए। होते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कि जब स्टूडेंट लाइफ में आप ज्यादा बोलते हो ना तो आपको बुढ़ापे में ज्यादा सुनना पड़ता है, और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा सुनते हो ना तो बुढ़ापे में आप लोगों को बोल सकते हो, समझा सकते हो, है ना। तो अगर आपका एक्सपीरियंस आपको अच्छा करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी अच्छी करनी है, तो आपको हमेशा लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि आप अल्टीमेटली पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छा करना है ताकि आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा आउटस्पोकन नहीं होना चाहिए, आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत है, और हमेशा आपको दूसरों की सुननी चाहिए। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो है लीडरशिप क्वालिटी। जब भी जैसे आपके साथ भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना, अगर आपने कोई प्लान किया कि यार चलो आज कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, तो एक फ्रेंड ऐसा होता होगा जो फटाफट प्लान में चलो हाँ ये कर लेते वो कर लेते और लास्ट में प्लान करके आपको ले जाता होगा, हमेशा अपनी बात मनवा लेता होगा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी है, राइट। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल, मैं पैसे आप बंगले पहुंचो, मैं अभी पैसे लेकर पहुंचता हूं, जाओ जाओ जाओ। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए। अगर आप कोई इवेंट हो रहा है या कहीं आप कहीं जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप हमेशा इनिशिएट करिए, है ना। सो अगर आप किसी काम में इनिशिएट करते हैं और उस काम को पूरा कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, तो वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, एक यूनिक पर्सनालिटी को दिखाता है कि यार इस बंदे में कुछ ना कुछ तो है जो पूरे काम को एकदम सक्सेसफुली इसने कंप्लीट किया। सो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की मदद करिए। आपके फ्रेंड्स में भी ऐसे कोई फ्रेंड्स जरूर होंगे जो हमेशा दूसरों की मदद करते होंगे, और जब भी आप दूसरों की मदद करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अलग करता है, राइट। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना है तो ये एटीट्यूड डेवलप करिए कि हमेशा दूसरों की मदद करना है, चाहे वो जरूरतमंद हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा आपको आगे बढ़ के इनिशिएट करके उसकी मदद करना चाहिए। सो जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो है एटिकेट, क्योंकि अगर आप में इतने सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं पर अगर आप में एटिकेट नहीं है तो पूरा जीरो है। तो एटिकेट का होना बहुत ही जरूरी है, और एटिकेट में क्या चीजें आती है, जैसे आपने कोई गलती कर दी तो उसमें
आपको सॉरी बोल देना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होता है ना, लोगों में ईगो होता है ना, अगर गलती भी करती तो मानेंगे नहीं कि नहीं मेरे से गलती होगी, राइट। और अगर आपने किसी ने आपके साथ अच्छा बिहेव किया है, अच्छा कुछ किया, तो हमेशा थैंक यू बोलिए, राइट। तो ये जो कुछ बिहेवियर्स होते हैं हमेशा वो कहीं ना कहीं एटिकेट्स होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपने इन सभी चीज़ों में अच्छा कर दिया पर अगर आपके एटिकेट्स अच्छे नहीं है तो वो सब कुछ जीरो कर देगा। तो ये सब जो चीज़ें थी मुझे आपको बतानी थी कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कर सकते हैं और पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे आपको यूनिक बनाती है, ये सब मैंने पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए। और लास्ट वाला जो पॉइंट था वो था एटिकेट, और एटिकेट आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो मैंने बताया ये सब अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो जरूर आप कहीं ना कहीं यूनिक दिखेंगे और अपने जीवन में आप सक्सेसफुल बनेंगे। अगर जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द सर पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरे जो भी स्टूडेंट है जो इसका आंसर जानते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो भी उसका रिप्लाई करें, सो देट की मुझे पता पड़ेगी हाँ आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा। सो लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो कि मेरे नए वाले चैनल पे अपलोड किया मैंने, और ये शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस हैं। और ये मैंने मेक स्टूडेंट लाइफ बेटर जो कि आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये जरूर आप देखिए, काफी चीज आपको सीखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।